नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्र के चौथे दिन किस चीज़ को चढ़ा देने से हमारे सभी दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा यानी देवी के चौथे रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो माता कुष्मांडा होती हैं वो हमारे समस्त दुखों का, हमारे समस्त तकलीफों का नाश करने वाली होती हैं। यदि हम माता की सच्चे मन से पूजा करें तो माता हमें समस्त दुखों से मुक्त करती हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में सुख शांति को स्थापित करती है। तो इसी समय इसी वीडियो में मैं आपको माता कुष्मांडा को ऐसी चीज़ चढ़ाने के बारे में बताऊंगा जिसे आप चढ़ाएंगे तो माता कुष्मांडा काफ़ी प्रसन्न होंगी और आपके समस्त दुख एवं तकलीफों को हर लेंगी। तो चलिए जानते हैं कि हमें किस चीज़ को चढ़ाना है और कैसे करना है। समस्त जानकारी आगे इस वीडियो में दी गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि नवरात्र के चौथे दिन सुबह नहाकर हमें हरे रंग की वस्त्र धारण करनी है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से पहले हमें हरे रंग का वस्त्र धारण करना है, कोई भी हरे रंग का वस्त्र। और वस्त्र को धारण करने के बाद हमें जाना है माता कुष्मांडा की पूजा करने। पूजा करने में हमें सबसे पहले क्या करना है कि माता को लाल फूल समर्पित करना है। माता को जो है लाल फूल काफ़ी प्रिय होता है, तो उन्हें सबसे पहले हमें लाल फूल समर्पित कर देना है। और उसके बाद माता के समक्ष हमें क्या करना है, एक घी का दिया प्रज्वलित कर देना है। लाल फूल चढ़ाने के बाद आप क्या करें, माता के समक्ष एक घी का दिया प्रज्वलित कर दें। और उसके बाद हमें जो है माता की भोग लगाने के लिए मुख्यतः तीन सामग्री चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा जिसे बोलने से माता काफ़ी प्रसन्न होती है। तो पहले जानते हैं कि क्या भोग लगाना है। तो भोग में हमें माता को मालपुआ लगाना है। आप मालपुआ बना लीजिए और थोड़ी सी हरी इलायची और थोड़ी सी सौंफ, यह तीनों चीज़ों को लेने के बाद हमें क्या करना है कि इन तीनों चीज़ों से हमें क्या करना है कि काफ़ी प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक माता का भोग लगाना है। और उसके बाद जैसे हम पूजा करते हैं वैसे माता की पूजा कर लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम पूजा कर लें, भोग चढ़ा दें, तो उसके बाद हमें क्या है कि माता के लिए, एक माता को प्रसन्न करने के लिए हमें माता का एक मंत्र बोलना है, जो कि मंत्र इस प्रकार है। आप कहीं इसको लिख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेशु माँ कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। इस मंत्र का जाप कर देना है माता के समक्ष जब भी हम पूजा कर लें विधि विधान से भोग लगाने के बाद। तो इससे क्या है, माता काफ़ी प्रसन्न होंगी। और इस मंत्र को जपने के बाद हमें क्या करना है कि माता की आरती कर लेनी है। मंत्र को जैसे पूजा हमारी पूरी हो जाए तो उसके बाद माता की आरती कर लेनी है, भोग लगा देना है, माता को प्रणाम कर लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या है कि माता काफ़ी प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा दृष्टि से हमारे जितने भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाएंगे, जो भी हमारे अटके हुए काम है वो बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति रहने लगेगी। कहने का मतलब है कि जो पहले हम परेशान रहते थे दुखों से, तकलीफों से, क्योंकि यह माता का सबसे निर्मल, सबसे कोमल रूप होता है। तो चौथे दिन आप इस उपाय को करें, आप इसको बहुत लाभ मिलेगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह उपाय आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय माता दी।